आधी बाइक देख रहे हो यहाँ से एकदम क्लीन, और वहां से अब दोनों तरफ से बाइक। नीचे नीचे कपड़ा मारना, ऊपर नहीं मारना, नहीं तो फिर स्टार्ट। सो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम आपको एक अच्छी चीज से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आज आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे तो मैं बाइक तो सभी को पता है कि क्लीन किस टाइप से होती है, तो हमने हमारी जो बाइक है वो क्लीन तो करा ली, वॉशिंग वगैरह जो भी होनी थी वो सब करा लिया है। लेकिन जैसा आप बाइक शोरूम से निकालते हो उस टाइप का आपको टायर क्लीन नहीं मिलता है, तो मैं आज आपको एक चीज़ से मिलवाता हूँ, वुर्थ का टायर फोम आता है। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप से वर्क करती है और कितना इससे क्लीन होता है। और हाँ, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि जैसा शोरूम में एकदम ब्रांड न्यू टायर चमकता हुआ आता है, वैसे ही इसको हमें इसको यूज करने के बाद आपको वैसा ही टायर मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं किस टाइप से इसको हम लगाने वाले हैं। अच्छा सर, तो दिखा है यहाँ, देखा अच्छी चीज इसमें बताता हूँ कि इसका आप जो अलॉय व्हील है वो भी हमारे इससे क्लीन हो जाता है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो हमने इसको फोम कर दिया है और बकायदा फोम हो गया है, और यहाँ पे भी इसको अच्छे से लगा देते हैं। उसके बाद अभी आप टायर देखना, थोड़ी देर के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ एक टाइम लैप बनाने का। सो हमारा जो टायर है वो क्लीन हो चुका है पूरा का पूरा और साफ हो गया एकदम, अब ना स्लिक करेगा ना कुछ करेगा। यहाँ पे हमारे ब्रांड न्यू टायर ये रखे हुए हैं और इनकी शाइन देख सकते हो और इसकी शाइन देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है। और अभी मैं आपको एक गंदा टायर दिखाता हूँ, ये है गंदा सामने का। और आप भी अपने टायर को इस टाइप से आप क्लीन कर सकते हो, घर में यूज़ कर सकते हो बड़े ही आसानी से, और बहुत अच्छे तरीके से आपका सब कुछ काम हो जाएगा। तो ये है हमारा कहाँ गया टायर फोम, टायर फोम हमने बाहर ही रख दिया, ये बाहर यहाँ पे रखा है। ये टायर फोम है, वुर्थ का है, वुर्थ कंपनी का आता है ये, तो बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है। वुर्थ तो वैसे भी अपने आप में एक अच्छा काम करती है और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालती है। तो आज हमने किया है टायर फोम से अपना टायर क्लीन किया है, और बाइक को भी आज हमने क्लीन किया। सैटरडे है आज, कल संडे की राइड है हमारी, तो राइड के लिए हमने बाइक को बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो चलो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्लीन करते हैं। सो दिस इज़ मी नॉन स्टॉप सनी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे। राइडिंग जैकेट हमेशा पहनो, जैकेट ग्लव्स हेलमेट सब कुछ हमेशा वेयर करके चलो, लुक भी आता है और सेफ्टी भी हो जाती है। तो चलो बाय बाय, फिर से मिलते हैं।